हेलो एंड वेलकम टू योर चैनल एज दे लाइक इट क्या आपको पता है कि यूनाइटेड किंगडम में साइंटिस्ट ने हाल ही में लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस की है थ्रू अ न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन तो आइए जानते हैं क्या है ये पूरी खबर दोस्तों दुनिया भर में जितने भी न्यूक्लियर पावर प्लांट हैं एट द मोमेंट उन सभी में जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है वो न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन से होती है ना कि न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन से पिछले कई सालों से साइंटिस्ट लगातार इसमें कार्यरत हैं कि जो एनर्जी प्रोड्यूस की जाए वो न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन से की जाए ना कि न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन से और इन्हीं एक्सपेरिमेंट्स में यूनाइटेड किंगडम के कुछ साइंटिस्ट ने प्रोड्यूस की है लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ एनर्जी फ्रॉम अ न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन यहाँ आपको ये भी बता दें कि न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन में न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन से कई गुना ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस होती है जो सन और स्टार्स में एनर्जी प्रोड्यूस होती है वो भी न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन से होती है ना कि न्यूक्लियर फ्यूजन से आइए सबसे पहले जानते हैं कि न्यूक्लियर फ्यूजन प्रोसेस क्या होता है न्यूक्लियर फ्यूजन में एक हैवियर एटम जो है वो स्प्लिट करता है दो लाइटर एटम्स में इन अ कंट्रोल्ड मैनर और इस प्रोसेस में लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है वो प्रोड्यूस होती है वहीं न्यूक्लियर फ्यूजन प्रोसेस में दो रिलेटिवली लाइटर एटम्स फ्यूज करके बनाते हैं न्यूक्लियस ऑफ एवियर एटम और इस प्रोसेस में वो खूब सारी एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं जो एनर्जी न्यूक्लियर फ्यूजन प्रोसेस में प्रोड्यूस होती है वो कहीं ज़्यादा होती है न्यूक्लियर फ्यूजन प्रोसेस से फॉर एग्ज़ाम्पल ड्यूटीरियम और ट्रीटियम ये दोनों फ्यूज़ करके हीलियम का न्यूक्लियस बनाते हैं और एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं जो कि फ़ोर टाइम्स होती है फ्यूजन प्रोसेस ऑफ यूरेनियम एटम के आइए अब देखते हैं कि आखिर न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्टर जो है वो आज तक क्रिएट क्यों नहीं किया जा सका क्या प्रॉब्लम्स हैं इसमें सबसे पहली प्रॉब्लम ये है कि फ्यूजन जो है वो तभी पॉसिबल है जबकि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो अराउंड फ्यू हंड्रेड मिलियन डिग्री सेल्सियस जैसा कि सन्स और स्टार्स के कोर में होता है और ऐसा हाई टेम्परेचर को क्रिएट करना आसान टास्क नहीं है सेकंड अगर ऐसा टेम्परेचर क्रिएट भी कर दिया जाए तो मटेरियल जो है न्यूक्लियर रिएक्टर का वो भी इस टाइप का होना चाहिए कि वो इतने हाई टेम्परेचर को विदस्टेंड कर सके थर्ड प्रॉब्लम ये है कि इतने हाई टेम्परेचर में मैटर जो होता है वो सिर्फ प्लाज्मा स्टेट में एग्जिस्ट करता है और उस समय जो एटम्स होते हैं वो ब्रेकअप करते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव आयन्स में ड्यू टू एक्सेसिव हीट अब जो ये प्लाज्मा होता है इसकी टेंडेंसी होती है एक्सपेंशन की बहुत जल्दी जो कि बहुत डिफ़िकल्ट होता है हैंडल करना अब आइए देखते हैं कि आखिर बेनिफिट्स क्या होंगे अगर हम न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्टर क्रिएट कर लेते हैं सबसे पहला बेनिफिट तो ये है कि लगभग चार गुना एनर्जी प्रोड्यूस होती है नंबर टू फ्यूजन रिएक्शन में कोई भी कार्बन एमिशंस नहीं होते हैं नंबर थ्री जो इसके जो रॉ मटेरियल्स होते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन के वो सफिशेंट सप्लाई में हैं नंबर फोर जो न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्टर है वो बहुत ही कम रेडियो एक्टिव वेस्ट प्रोड्यूस करता है कंपेयर टू फ्यूजन रिएक्टर के और इसी कारण से ये बहुत सेफ़ है पिछले कई सालों से साइंटिस्ट जो हैं न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्टर जो है वो क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं इसी के लिए एक इंटरनेशनल लेवल पे एक प्रोजेक्ट हुआ था स्टार्ट जिसका नाम है ईटर प्रोजेक्ट या इंटरनेशनल थर्मो न्यूक्लियर एक्सपेरिमेंटल रिएक्टर का प्रोजेक्ट ये जो है सदर्न फ्रांस में सेटअप हुआ था और इसमें लगभग थर्टी कंट्रीज़ का कोलेब्रेशन है इसके बारे में डिटेल में हम आगे वीडियो में बताएंगे कई स्मॉल स्केल फ्यूजन रिएक्टर्स भी हैं जिनको कि रिसर्च के लिए इस्तेमाल किया जाता है जो ये खबर है कि यूनाइटेड किंगडम में न्यूक्लियर फ्यूजन की रिकॉर्ड एनर्जी प्रोड्यूस की गई है ये जो एनर्जी जनरेशन है ये कुल्हम सेंटर ऑफ फ्यूजन एनर्जी में किया गया है जो कि ऑक्सफोर्ड के पास है इस रिकॉर्ड ब्रेकिंग एक्सपेरिमेंट में इलेवन मेगावाट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस की गई है पाँच सेकेंड के पीरियड के अंदर अब आइए जान लेते हैं ईटर प्रोजेक्ट के बारे में ईटर स्टैंड फॉर इंटरनेशनल थर्मोन्यूक्लियर एक्सपेरिमेंटल रिएक्टर और ईटर का मीनिंग होता है लेटिन में द वे और द पाथ ई ईटर इंटरनेशनल न्यूक्लियर फ्यूजन रिसर्च एंड इंजीनियरिंग मेगा प्रोजेक्ट है और इसका एम है कि जो सन में फ्यूजन प्रोसेस होता है उसी को अर्थ पे रेप्लीकेट कर दिया जाए ताकि एनर्जी क्रिएट की जा सके इसका टारगेट है 2025 तक कंस्ट्रक्शन ऑफ मेन रिएक्टर एंड फर्स्ट प्लाज्मा और ऐसा हो जाने पे ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट मैग्नेटिक कन्फाइनमेंट प्लाज्मा फिजिक्स एक्सपेरिमेंट भी बन जाएगा और ईटर प्रोजेक्ट दोस्तों एक फ्रांस साउथ फ्रांस में एक जगह है कदराचे वहां पे ये फैसिलिटी जो है सेटअप की गई है प्रोजेक्ट जो है वो फंड किया गया है और रन जा, किया जा रहा है बाय सेवन पार्टीज़ सेवन कंट्रीज हैं इसमें पार्टीज वो कौन कौन सी कंट्रीज है आपको पता होनी चाहिए चाइना यूरोपियन यूनियन इंडिया जापान रशिया साउथ कोरिया एंड यूनाइटेड स्टेट्स ये क्वेश्चन कई बार सिविल्स में पूछा गया है और आगे भी लगातार पूछा जाने के चांसेस हैं यहाँ पे ये भी जान लेना जरूरी हो जाता है कि न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्टर बनाने में पूरे साइंटिफिक कम्युनिटी का इसलिए इंटरेस्ट है क्योंकि न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन से कार्बन एमिशंस नहीं होते हैं और उससे जो प्रॉब्लम ऑफ क्लाइमेट चेंज है उससे वो भी बहुत ज़्यादा सॉल्व होती है ईटर प्रोजेक्ट जो है वो 1985 में स्टार्ट हुआ था और इट इज़ एक्सपेक्टेड कि ये ऑपरेशनल होगा बाय 2035 तो ये थी हमारी कवरेज रिगार्डिंग न्यूक्लियर फ्यूजन अगर आपको ये पसंद आई हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ इंस्टाग्राम टेलीग्राम से जुड़ें जहाँ पे कि हम फ्री पी और फ्री नोट्स देते हैं थैंक यू